दोस्तों, देसी तड़का विद अमिता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाजार जैसे गोलगप्पे का चटाकेदार पानी। तो सबसे पहले उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए पुदीना पत्ती जो मैंने धो के रखी हुई है, धनिया पत्ती। पुदीना पत्ती थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, मेरे को ज़्यादा पुदीने का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है, वरना आप आधा आधा भी दोनों ले सकते हैं। 4 से 5 हमने मिर्च ले ली है यहाँ पे, हरी मिर्च। 1 मीडियम साइज़ की हमने कैरी ली है क्योंकि अभी गर्मी है तो कैरी बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो इसको हमने ऐसे टुकड़ों में काट के रख लिया है। अगर आपके पास कैरी अवेलेबल नहीं हो तो आप इमली का पल्प भी ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच। और फिर दोस्तों ये देखिए, एक चुटकी हींग है इसमें, 1 पिंच हींग, और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुना जीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और ये जो बूंदी ली है हमने डेकोरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुदीना पत्ती को एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। ये हमने पुदीने की पत्तियाँ डाल ली, ये धनिया पत्ती डाल ली, उसके बाद ये मिर्ची हम ऐसे तोड़ के डाल लेंगे जिससे ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाती हैं। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, जैसे किसी को ज़्यादा तीखा पसंद हो तो वो 5 से 6 मिर्ची भी ले सकते हो आप। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो एक बात तो मैं भूल ही गई, इसमें हींग और ये जो हमने कच्चा जीरा रखा था ये और डाल लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसे हम ग्राइंड करने के लिए रख देंगे। तो अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, देखिए कितना फाइन पेस्ट इसका तैयार हो गया, चटनी जैसा। अब हम इस ग्राइंडर में से इसको इस बड़ी छलनी में शिफ्ट कर लेंगे। अगर अब आपके पास इतना बड़ा छलना नहीं हो तो ये छोटी छलनी जो होती है उसमें भी आप इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। फिर स्ट्रेन करने के बाद हमें इसको छानना है। ये देखिए नीचे इसका पानी निकलता जा रहा है, जो चटनी हमारी पिसी है उसका पानी नीचे इकट्ठा होता जा रहा है। ये चटनी दोस्तों, जो ये बचेगा मटेरियल, ये भी हमारा वेस्ट नहीं जाता है। इसके या तो हम पानी डाल के और थोड़ा सा मसाला ऐड करके चटनी पीस सकते हैं, जो कि हम गोलगप्पे के आलुओं में भी डाल सकते हैं, या वैसे भी घर में हम चटनी के जैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी वही चीज़ें हैं, धनिया पुदीना कैरी मिर्ची। तो आप इसको फेंके नहीं, ये भी हमारा यूज़ में आ जाता है। ये देखिए, अब मैंने इसमें, ये देखिए, ये हमारा पानी निकल के आ गया है गोलगप्पे का, और इसको हम एक कटोरी में रख देंगे, इसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अब इसमें दोस्तों हम पानी ऐड करेंगे सबसे पहले। तो इसमें करीब 1 ग्लास के करीब हम पहले पानी ऐड करेंगे इसमें। आधा ग्लास पानी और ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों कितना हमारा फाइन पानी बन के रेडी है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे हम। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, टेस्ट करके आप अगर आपको कम लग रहा है तो आप और भी डाल सकते हैं। ये हम काला नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें भुना जीरा ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और हमारा पानी देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका।
अब हम इसमें ऊपर से, और एक बात और है दोस्तों, अगर आपको मीठा खट्टा मीठा पानी पसंद है तो आप इसमें एक चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ खट्टा और तीखा पानी पसंद है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसमें हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए बूंदी डाल देंगे, ये बेसन की देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो दोस्तों ये हमारा गोलगप्पे का बाजार जैसा चटकारेदार पानी तैयार है। दोस्तों अगर आपको ये डिश पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।